आज के मंगल को दंगल को ज्यादा ही होने वाला है क्योंकि कल एप्पल ने अपना WWDC इवेंट भी करा। अगर आप यहाँ पे टेलगो ट्यूसडे के लिए आए हो तो इस वाले टाइम स्टैम्प पे चले जाओ, और अगर आपको एप्पल का भी इवेंट कवरेज चाहिए कि क्या क्या लॉन्च हुआ और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमको देखने वाली हैं आगे चल के एप्पल के इकोसिस्टम में, तो यहीं से ही देखते रहो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड मैकबुक का, मैकबुक एयर, जो कि नया यहाँ पे रिवील हो गया है, लॉन्च होने वाला है अगले महीने और M2 चिप के साथ। तो सबसे पहले ना M2 चिप के बारे में बात करते हैं तो आगे इजी रहेगा। यस, फाइनली M2 चिप यहां पे लॉन्च हो गई है। बहुत सारे लोग रुके हुए थे अपने लैपटॉप्स को लेके, फाइनली M2 यहां पे रिवील हो गया है। अगर काइंड ऑफ लैडर सिस्टम से देखें तो M1 प्रो जो पहले लॉन्च हुआ था ये हेवी वाले मैकबुक्स पे, तो उससे नीचे है, लेकिन M1 से थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस के साथ ऊपर में लॉन्च किया है। अब M2 की स्पेक्स को देखो तो यहां पे सेकंड जनरेशन 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, 20 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यहां पे यूज हुए हैं। M1 में क्लोज टू 15 बिलियन थे, तो यहां 25% ज्यादा है। प्लस अगर यूनिफाइड मेमोरी बैंडविड्थ की बात करें तो यहां 100 GBPS की स्पीड तक सपोर्टेड है, M1 से 50% ज्यादा। और अगर इवन अगर हम यूनिफाइड रैम की बात करें तो यहां पे अप टू 24 GB सपोर्टेड है, वहां पे सिर्फ 16 GB थी, तो यहां पे उसमें भी 50% इंक्रीमेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि 24 GB आप लगा सकते हो, बस एप्पल यूं कह रहा है कि ऑप्शन दे दिया हमने आपको और खर्चा करने का। बाकी इन्होंने कुछ ग्राफ्स वगैरह दिखाए जिसमें M1 से CPU पावर जो है वो 18% ज्यादा दिखाई, लेकिन GPU पावर में बहुत अच्छा डिफरेंस था, 35% इंक्रीमेंट निकल के आया है सिर्फ GPU की परफॉर्मेंस में। अब इस चिप के साथ में इन्होंने रिवील किया नया MacBook Air, जिसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा ना ऐसा बॉक्सी सा डिजाइन कर दिया है। पहले जो टेपर डिजाइन आता था M1 Air का, उस तरीके का यहां पे डिजाइन नहीं है, डिजाइन बिल्कुल चेंज कर दिया है। इवन MagSafe पोर्ट भी ऐड कर दिया है जो कि इन वाले MacBook Pros के अंदर था, 14 इंच के अंदर। पोर्ट्स की बात करें तो वही सेम 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा एक जो है ऑडियो जैक है, उसमें अगर आपको ईयरफोन्स हेडफोन्स लगाने हो तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे डिस्प्ले की तरफ जब आप देखोगे तो आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे, क्योंकि अब यहाँ पे नॉच वाला डिजाइन दे दिया है। ब्राइटनेस भी यहाँ पे 25% तक इंक्रीज कर दी है, तो एक काइंड ऑफ न्यू डिस्प्ले यहाँ पे ऐड कर दी गई है। अगर वेबकैम की बात करें तो 1080p HD कैमरा यहाँ पे डाल दिया है, पहले 720p था। साथ ही में स्पीकर्स यहाँ पे अपग्रेड कर दिए गए हैं, क्वाड स्पीकर सिस्टम यहाँ पे लगा दिया है, जिसका बता रहे हैं कि साउंड आउटपुट बहुत ही ज्यादा गजब होने वाला है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो एस्टिमेट ये जा रहा था कि वही 92,900 इंडियन प्राइसिंग के आसपास में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 20,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 1,13,000 रुपए का बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में आज की डेट में भी सिर्फ और सिर्फ 256 GB स्टोरेज आपको मिलने वाली है, 8 core CPU 8 core GPU के साथ। लेकिन अगर आपको एक लेवल अप जाते हो आप, 8 core CPU 10 core GPU मिल जाता है 512 GB स्टोरेज के साथ, जिसकी वैल्यू आपको 1.5 लाख रुपए देनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट इसमें 30 वॉट का चार्जर ये लोग इनबॉक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको 67 वॉट पे अपग्रेड करना चाहते हो तो 2000 रुपए ज्यादा पे कर सकते हो। प्लस एक और इन्होंने नया चार्जर यहाँ पे दिखाया, 35 वॉट पे डुअल USB-C पे चार्ज हो सकता है, उसकी भी प्राइसिंग वही है, सिर्फ आपको 2000 रुपए ज्यादा देने हैं। तो एक तरीके से आपको चॉइस मिल रही है कि आपको डबल डिवाइस वाला चार्जर चाहिए या फिर फास्ट चार्जिंग 67 वॉट पे जाना चाहोगे। तो ये कुछ था पूरा M2 के मैकबुक के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक मैकबुक प्रो भी लॉन्च हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी एस्थेटिक चेंजेस नहीं किए गए, एग्जैक्टली पुरानी वाली बॉडी, पुरानी वाली चीजें, कोई MagSafe चार्जिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ चिप चेंज कर दिए M2 की, और वो भी अगले महीने लॉन्च हो जाएगा। अब MacBooks के बाद बात करते हैं macOS Ventura के बारे में। ये नया macOS इन्होंने रिवील किया और इसके फीचर्स काफी बढ़िया लगे। पहला फीचर है यहाँ पे स्टेज मैनेजर, एक बेसिकली काफी सारे जो विंडोज ओवरपाइल हो जाते हैं उसको स्क्रीन की लेफ्ट साइड में एक जगह पाइल अप करके कैटेगरी वाइज यहाँ पे लगा देता है, और सिंपली हम फटाफट से उस पर हवर करके जो भी हमको टैब यूज करना है उसको पूरा स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। विंडोज में आपने देखा होगा विंडोज प्लस टैब का बटन जब हम दबाते हैं तो काफी सारे टैब्स आ जाते हैं और हमको जो यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं, उसी का काइंड ऑफ ये रिफाइंड वर्जन इन्होंने अपने इस नए मैक ओएस के अंदर डाल दिया है। कॉपी चलता रहता है सबका एक दूसरे में, बस अपने अपने वर्जन बनाते रहते हैं। इसके बाद एक हैंड ऑफ फीचर यहाँ पे बताया कि सपोज करो हम अपने फोन पे फेस टाइम कर रहा हूँ मैं किसी के साथ, और फोन पे करते करते मैं अपने मैकबुक के पास आ गया, तो मैकबुक पे ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वो वाली फेस टाइम कॉल बिल्कुल इंस्टेंटली सीमलेसली स्वैप हो जाए, और उसके बाद मैं फोन अपना साइड में रख के अपनी कन्वीनियंस से अपने मैकबुक के ऊपर फेस टाइम वो वाली कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब ये चीज़ iPad के OS में भी इंटीग्रेट कर दी गई है, मतलब कि सारे
इकोसिस्टम के अंदर कहीं पे भी एक फेस टाइम से आपको दूसरे डिवाइस पे शिफ्ट करना हो तो वो बहुत ही ज्यादा सीमलेसली हो सकता है। इसके बाद है कंटिन्यूटी कैमरा, और ये एक आईफोन्स के लिए फीचर है। बेसिकली आप इससे अपने आईफोन के कैमरे को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो, रियर कैमरे की बात कर रहा हूं मैं, वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, और जो वेबकैम की क्वालिटी है वो आपके आईफोन वाली यूज हो जाएगी। इसके लिए एसेसरीज भी कंपनीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं। मैगसेफ से यहाँ पे अटक जाएगा और उसके बाद ये बहुत ही इजीली हैंग हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर इन्होंने क्या दिखाई कि अगर आपका प्रो मॉडल है जिसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है तो वो अल्ट्रा वाइड कैमरा क्या कर सकता है कि पहले तो हमारा चेहरा तो आ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि अल्ट्रा वाइड है इसलिए यहाँ पे नीचे तक की फुटेज उसके पास आ जाती है। अब नीचे की जो फुटेज आती है वो उस फुटेज को क्रॉप करके, स्ट्रेच करके और एआई से उसको बिल्कुल सही करके कुछ इस तरीके से दिखा देगा कि आपकी फेस कैम की वीडियो अलग आ रही है, टेबल टॉप डाउन वीडियो बिल्कुल अलग आ रहा है। इसको ये डेस्क व्यू कह रहे हैं और ये चीज मुझे काफी तगड़ी लगी, मतलब बहुत स्मार्टली प्ले किया एप्पल ने यहाँ पे, और ये चीज ना बहुत सारे लोग एक्चुअल में यूज करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन कार प्ले इन्होंने डिस्प्ले किया, मतलब इनका इनके हिसाब से एक बहुत मोटी परसेंटेज ऑफ नई ऑडियंस जो गाड़ियां लेने निकलती है वो ये जरूर देखती है कि उसके अंदर एप्पल कार प्ले है या फिर नहीं। तो इसको देखते हुए ये लोग इंफोटेनमेंट सिस्टम जो गाड़ियों के होते हैं, मतलब अपने कार प्ले को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाना चाह रहे हैं, जिससे जो भी कार्स अच्छी एलईडी डिस्प्लेस दे रही हो तो उनको एक बहुत सही एक्सपीरियंस मिल जाए, ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी स्मार्ट ही हो जाएगी एप्पल के कार प्ले डलने से। अब गूगल इसको कितना कैचअप कर पाता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद इन्होंने अपने वॉच ओएस के बारे में कुछ डिटेल्स बताई, जैसे कि काफी सारी चीजें इन्होंने इंप्रूव कर दी हैं। पहले यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग सपोर्टेड नहीं थी, वो अब सपोर्टेड हो गई है। प्लस यहाँ पे जो स्लीप मॉनिटरिंग है वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे ले गए हैं। नए 4 वॉच फेसेस भी ऐड कर दिए हैं। सिरी का नया यूआई दिखाया है और एप्स को टॉप पे मिनिमाइज कर सकते हो क्विक एक्सेस के लिए। अब बात करते हैं नए iOS 16 की। यहाँ पे नया iOS 16 में सबसे पहला फीचर जो इन्होंने दिखाया वो दिखाया लॉक स्क्रीन के अंदर कुछ अपडेट्स हम कर सकते हैं, मतलब एप्पल फैनबॉयज के लिए एक अच्छी अपडेट हो सकती है, लेकिन एंड्रॉइड में ये सालों से है। बेसिकली हम अपने घड़ी का डिजाइन बदल सकते हैं, टाइमिंग का फॉन्ट बदल सकते हैं, ये सारी चीजें। प्लस जो नोटिफिकेशंस हैं वो एंड्रॉइड में ऊपर से आती हैं, यहां पे अब नीचे से आनी स्टार्ट हो गई हैं। वॉलपेपर को थोड़ा सा और स्पेस मिल रहा है, लेकिन यहां पे आई मैसेजेस के अंदर एक मेजर अपडेट्स डाले हैं कुछ, जैसे कि हम जो मैसेजेस ऑलरेडी भेज चुके हैं उनको अनसेंड कर सकते हैं या फिर जो ऑलरेडी भेज चुके हैं उनको एडिट कर सकते हैं, जैसे आजकल टेलीग्राम या इंस्टा पे हो जाता है। इसके अलावा लाइव एक्टिविटीज का फीचर ऐड किया है कि सपोज करो आप रनिंग कर रहे हो तो स्टेप काउंटर लाइव आपके होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे बार बार आता जाएगा, म्यूजिक सुन रहे हो तो उसका थंबनेल आता जाएगा, छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर सेम फैमिली में मल्टीपल आईफोन्स हैं तो उसमें से किसी पर्टिकुलर आईफोन को आप पेरेंट बना के बाकी के आईफोन्स को मॉनिटर भी कर सकते हो कि भाई वो कितना स्क्रीन टाइम उनका जा रहा है या किसी तरीके का कोई कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करना है क्या। तो ये चीज एक काफी अच्छी चीज लगी मेरे को। बाकी कुछ खास नहीं, वॉइस डिक्टेशन बताया कि काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है और ये गूगल में पहले ही था, कोई खास बड़ी बात है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपैड के ओएस 16 के बारे में भी बताया क्या क्या नया डालने वाले हैं। सबसे पहले कस्टमाइजेबल टूल बार्स आने वाले हैं, प्लस फाइल्स फोल्डर के अंदर अब हम एक्सटेंशंस को चेंज कर पाएंगे, अंडू रीडू कर पाएंगे अक्रॉस द सिस्टम, कॉन्टैक्ट्स को फाइंड करके मर्ज करना या फिर एक लिस्ट बनाना। तो ये प्रीटी बेसिक सी चीजें हैं, कोई ऐसी बहुत ज्यादा मेजर अपडेट नहीं है। लेकिन आईपैड में भी स्टेज मैनेजर इंट्रोड्यूस कर दिया है जो मैक ओएस वेंचुरा में डाला है, और एक बड़ी चीज ये है कि आईपैड को अब आप एक्सटर्नल डिस्प्ले से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, सारी जो विंडोज हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अक्रॉस डिवाइसेस। तो ये कुछ था प्रीटी मच अबाउट द WWDC। आप बताओ आपको क्या लगता है, मतलब मैकबुक एयर की प्राइसिंग कुछ ज्यादा नहीं कर दी है क्या, आप कंसिडर करोगे अगर आप M1 पे जाने वाले थे जो कि अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में 85,000 के आसपास 82,000 के आसपास मिल जाता है, क्या 82 से 112,000 पे आप जाना प्रेफर करोगे या फिर आप M1 के साथ ही स्टिक रहोगे। मैं कोशिश करूंगा अगर अरेंज हो पाया तो M2 का एक डिटेल्ड रिव्यू इस चैनल के ऊपर डालने का जल्दी से जल्दी, जैसी अवेलेबल हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना क्या क्या आपको टेस्ट चाहिए अगर मैं M2 लेके आता हूं तो। और हाल फिलहाल के लिए अभी चलते हैं टेलको ट्यूजडे की स्टोरी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टेलको व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है कि आज 7 जून को हमको ये टेलको वाली सीरीज करते करते एग्जैक्टली 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि यार 6 महीने में रेगुलर हर वीक डिलीवर कर पाऊंगा, लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से ये हो पाया एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू।
तो उम्मीद करते हैं अब आगे जाके क्या करना है, मतलब हर वीक इतनी टेलको न्यूज ना इकट्ठी नहीं हो पाती है, अगर होती भी है तो इतनी वर्थ इट नहीं होती है कि उसको वीडियोज के अंदर डाला जाए। तो अब आगे के लिए प्लानिंग क्या करनी चाहिए थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट करना, कि इसको हर 10 दिन पे एक रख दिया जाए एपिसोड, या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें इसी में वीकली एपिसोड के अंदर ऐड की जाए। जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। सबसे पहली चीज है D2M, ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज है। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है जिसमें ब्रॉडकास्टर्स जो है ना वो बिना इंटरनेट के अपना वीडियोस और मल्टीमीडिया कंटेंट आपके डिवाइसेस तक पहुंचा पाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज की डेट में हम FM कैसे चलाते हैं, अपने फोन के अंदर इनबिल्ट है, बस हमने ऑन किया और वहां से रेडियो वेव्स कैच हो गई और हमको जो भी वहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो सुनाई दे गया। ठीक उसी तरीके से अब वीडियोस के ऊपर काम कर रहा है, इस तरीके से हम वीडियोस भी आने वाले टाइम में देख पाएंगे और इसके ऊपर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्टिवली वर्क कर रही है। इस टेक्नोलॉजी में कोई बफरिंग का सिस्टम नहीं होने वाला है, प्लस यहाँ पे जो मेजर इसका यूज बताया जा रहा है फेक न्यूज होती है उसको काउंटर करने के लिए, या फिर कोई इमरजेंसी अपडेट्स गवर्नमेंट के थ्रू आप तक पहुंचने हैं वो पहुंचाने के लिए। कमर्शियल साइड इसकी क्या कुछ बनेगी या फिर नहीं ये कुछ अभी नहीं पता। अगली अपडेट है यहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक्ट फाइबरनेट के साथ मिलकर चेन्नई के अंदर 200 से ज्यादा हॉटस्पॉट यहाँ पे लगा दिए हैं। बेसिकली एक्ट यहाँ पे फाइबरनेट इसीलिए यूज किया गया क्योंकि उकला के हिसाब से एक्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्टेंट डिलीवरिंग वाला ISP है एंड इस स्टेट में काफी ज्यादा फेमस भी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा और हॉटस्पॉट लगा डाले। अब ये जो हॉटस्पॉट लगाए हैं पब्लिक यूज करेगी वाईफाई, शुरू के 45 मिनट 20 MBPS स्पीड मिलेगी और 1 GB डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहां की सारी पब्लिक को, और उसके बाद यहाँ पे शायद कुछ चार्जेस रिचार्ज सिस्टम कुछ यहाँ पे लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे जियो के नए प्लान्स को लेकर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अब तो ऐसा हो गया हर तीसरे हफ्ते कोई ना कोई ये लोग नए प्लान्स लॉन्च कर देते हैं, कभी ट्वीकिंग कर देते हैं, एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। बेसिकली पहला प्लान यहाँ पे 151 का है, ये सिर्फ एक डेटा ओनली प्लान है, मतलब एक एक्टिव आपके पास वॉइस कॉलिंग प्लान होना चाहिए उसके ऊपर ये लगाया जाएगा। इस प्लान में आपको 8 GB डेटा मिलता है, साथ में 90 दिन का डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिलता है जिसकी वैसे वैल्यू 149 है, तो मतलब 2 रुपए ज्यादा में अगर आप जियो को दे दो तो आपको 8 GB डेटा भी मिल रहा है। नेक्स्ट प्लान 333 का है, वही सेम 1.5 GB रोज 28 दिन तक मिलेगा, SMS मिलेंगे, साथ में 90 दिन का डिज्नी प्लस हॉटस्टार। यही प्लान आपको 56 डेज के लिए चाहिए होगा तो 583 देने होंगे और 84 डेज के लिए चाहिए होगा तो 783 रुपए देने होंगे। वैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार आप ये वाले लेना पसंद भी करते हो या फिर नहीं? मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं ये वाले प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं अपना नॉर्मल रिचार्ज कराता हूँ और अलग से जो भी प्राइस चल रहा होता है मार्केट का वहां पे ले लेता हूँ। आप कौन सा प्रेफर करते हो, रिचार्ज प्लान के साथ या फिर अलग से परचेज करना जो आपको चाहिए हो? और अगली जो अपडेट है वो ये है कि साइंटिस्ट ने एक आईफोन के साइज का एंटीना बनाया है जो 5G को यूज करके, इनके स्टैंडर्ड्स को यूज करके 5G से ही बेटर स्पीड देता है एंड इसके अंदर मोबाइल ट्रैकिंग GPS जैसी की जा सकती है। लेकिन एक छोटा सा फ्लॉ ये है कि GPS को एक्यूरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। करंट एंटीना सिस्टम को देखो तो वो लॉन्ग रेंज वाले जो डिस्टेंस होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लेकिन इस वाले डिवाइस के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो ये जो डिवाइस है ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है, लेकिन अभी जो डिवाइसेज यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उससे फार फार बेटर रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। अगली अपडेट यहाँ पे एयरटेल को लेके, अब ये सिस्टम है कि काफी सारे ऐसे प्रीपेड प्लान्स थे जिसके अंदर 1 month का Amazon Prime मोबाइल एडिशन मिल रहा था और आज की डेट में वो सारे प्लान्स पे से ये बेनिफिट हटा दिया गया है। बेसिकली आज की डेट में सिर्फ 2 प्लान ऐसे रह गए हैं जिसके अंदर Amazon Prime का मोबाइल एडिशन आपको मिल रहा है। पहला है 359 का और दूसरा है 108 का। 359 एक रेगुलर रिचार्ज प्लान है, लेकिन 108 वाला एक स्पेशल डेटा एड ऑन प्लान है। अब ये चीज एयरटेल ने ओपनली अनाउंस तो नहीं करी है, लेकिन एक ब्लॉग पे ये डला हुआ था तो वहां से मैंने इसको वेरीफाई करके यहां पे ऐड किया है। आज की लास्ट अपडेट प्राइस हाइक को लेके है। तो वी के जो CEO है ना, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि वी इस बार ना प्राइस हाइक करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचने वाला है, क्योंकि अभी करंट मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से उनका जो ARPU है वो एटलीस्ट 2x या फिर 2.5x होना चाहिए था जो अभी है। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन भाई हमारी जेब कटने को तैयार बैठी हुई है। मतलब एक कंपनी बढ़ाती है तो डुओपोली वाली दूसरी कंपनी तैयार बैठी है और तीसरी कंपनी लास्ट में थोड़ा सा पैसा जरूर अपना बढ़ाई देती है। समझ तो गई होगी आप कौन सी कंपनीज, लेकिन भाई एंड में कंज्यूमर ही पैसना है। अगर पैसे ही बढ़ाते चलेंगे ना
इवेंचुअली मुझे लग रहा है ये 3 महीने वाले जो प्लान है ना, ये सब 1000-1200 रुपए के पास में जाने वाले हैं, जो ये अभी 700-750 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। अब इसको नेक्स्ट जो टारगेट है वो सीधा इनका 1000 रुपए के आसपास का इसको लेके आएंगे। एटलीस्ट 20-30% यहाँ पे पैसे बढ़ने तय हैं इसी साल के खत्म होने से पहले पहले, ये मेरा प्रेडिक्शन है। आपका क्या है, जो भी आपको लगता हो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और आज की इस अपडेट के एपिसोड के अंदर यही कुछ था। अगर आपको इस तरीके की मल्टीपल स्टोरी वीडियो पसंद आई कि एप्पल का भी इवेंट कवर हो गया और ये भी कवर हो गया, इंस्टेड ऑफ मैं 2 वीडियोस अलग अलग बनाऊं और उसको पुश करूं अलग अलग टाइमिंग पे, मैंने सोचा एक ही बना देते हैं। आपका ओपिनियन मेरे सराखों पर, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।